तो हम आपको टूर देते हैं फ्रेंड्स, अभी बिना लाइट के इसलिए ऐसा दिख रहा है, फिर लाइट के बाद भी दिखाएंगे। जैसे हम यहाँ से एंटर करते हैं, साइड में हमें ये स्पेस मिल रही थी तो यहाँ पे हमने लगाया मिरर। ये देखो, ये स्पेस फ्रेंड्स हमें खाली मिल गई थी तो यहाँ पे एक बड़ा सा मिरर आ गया है। और ये चीज मैंने कुछ न्यू कराई थी, मेरे एकदम दिमाग हुआ कि जब हम कुछ भी लाइट से डिजाइन बनवा सकते हैं तो ऐसा कुछ लिखवा लेते हैं, सनी ने भी सजेस्ट किया था। ये तो अभी काफी दिनों से आ रहा था लेकिन ये मुझे थोड़ा न्यू लग रहा था तो ये करा लिया। आपको कैसा लग रहा है बताइएगा। तो यहाँ पे एक फुल जगह मिल गई है आउटफिट देखने के लिए। अभी हम लाइट जला देते हैं और यहाँ पे बन गया है हमारा बड़ा सा कवर्ड जो कि पहले बहुत छोटा था। तो हमने चेंजेस ये कराया है कि वही कवर्ड को थोड़ा सा एक्सटेंड करा लिया है, इसका माइका चेंज करा लिया है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये कुछ ऐसा लुक का आ गया है। हमें न्यूट्रल शेड्स में जाना था इसलिए हमने ये बेज टाइप का कलर चूज किया था। और पहले ये खुलने वाला था, अगर खुलने वाला होता तो स्पेस नहीं निकलता, फिर ये खुल नहीं पाता, यहाँ की जगह चली जाती, तो हमने इसको स्लाइडिंग वाला बनवाया। और यहाँ पे भैया सनी ने तो अपना सब कुछ सेट भी करा लिया है जैसे उसको चाहिए था। यहाँ पे मेरा सब कुछ सेट हो गया, ये वाला हिस्सा मेरा है, एक दो तीन नहीं, नीचे वाला तुम्हारे आई। हाँ वो भी एक्स्ट्रा चीजों के लिए, लेकिन फ्रेंड्स ऐसे में बहुत ज्यादा स्पेस निकल आई है ना। अभी देखो ना, अभी मेरी शर्ट बिल्कुल प्रेस व्रेस करके टंगी, बस आओ नहाओ पहनो चल दो। और ये भी थोड़ा बड़ा कर, लाइट भी हमारा पुराना ही है फ्रेंड्स, सिर्फ हमने माइका चेंज कराया है, व्हाइट वाला ही था। और ये सिंपल सा बैट बैग बनवाया है, ज्यादा कुछ क्रिएटिविटी नहीं की है, ये नीचे से ऊपर तक हमने सेम जल गया। तो ज्यादा कुछ अभी स्टार्टिंग में एटलीस्ट कलर्स नहीं चाहिए था, थोड़ा सा ऐसा बेसिक चाहिए था, तो हमने बेडशीट भी उसी कलर की ही डाली है, सिर्फ एक थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट के लिए ये डाला है। ये ज्यादा खतरनाक कलर हो गया, लाल लाल लगा के सुखा रही, इसमें वो नहीं लगा वो सितारा छा, मतलब वो तो यहाँ छुप जाते हैं। वो भी लाऊंगी कभी नेक्स्ट टाइम। फ्रेंड्स आप बताना कॉमेंट सेक्शन में मेरा फूल वाला तकिया कैसा लगा। और ये साइड वाला सेक्शन उसी तरह है, सिर्फ वो ग्रीन कलर का ये था तो उसका कवर चेंज कराया है जिसमें हम ये बैठते हैं गद्दी में। और कर्टन फ्रेंड्स मुझे इस बार थोड़े डिजाइनर चाहिए थे, आपने हमेशा मेरे घर में देखे होंगे कि सिंपल सिंगल वाले लगे होते हैं, इस बार हमने शेयर कर्टन भी लगवाए हैं और ये थोड़ा सा लेस वेस भी लगवाई है। और ये सभा का सबसे सस्ता वाला आइटम, ये 500 रुपए का एक लैंप है और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत यूनिक सा लग रहा है। यहाँ पे मुझे छोटे छोटे लैंप चाहिए थे लेकिन वो काफी महंगे आ रहे थे, लेकिन मुझे ये और भी ज्यादा अच्छा लगा कि घर वाले भी आ गए तो उनको भी साथ साथ दिखा रहे हैं। आ जाओ भैया, ये क्या कपड़े लेके आए हो? दरवाजे भी खत्म कर दिए वो वाले? नहीं दरवाजे वही है, कुछ करवाया नहीं, वही कलर है। अब नीचे नहीं आओगी तो कैसा लग रहा है? इतना अच्छा बन गया तो नीचे नहीं आओगी? वो कद अपने आप को देखे नहीं, अल्लाह सनी की तो पूरी तैयारी कम्प्लीट हो गई, तो उसूल है पूरा बदल गया। लेकिन एक बात है, हाँ। इस रूम में ना किसी का इंटीरियर है कोई दिमाग, ये सारा दिमाग उसी का है, क्योंकि हमारा तो हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं है, तो कलर से लेके और पर्दा पंखा लाइट जो भी है सब कुछ दिमाग उसी का है, तो ऑल क्रेडिट गोज टू सवा इब्राहिम। और हमने ये टीवी उस रूम से निकाल के यहाँ पे यहाँ लगवा दी, ये टीवी है वो रूम नहीं नहीं। और अभी ये जो मेन पार्ट है हमारे रूम का पर्दा वाला, ये सब ये देखो आगे, आप लोग कैसा लग रहा है? कर्टन देर से बने लेकिन अच्छे लग रहे हैं मुझे, बहुत पूरे मैचिंग, पूरी हाँ। मैचिंग करी है, अच्छे लग रहा है बहुत, कोई चीज खराब नहीं है, अच्छा इधर भी लगा है। ऊपर का फ्रेंड्स हमने ये लाइट्स लगवाई है, स्पॉट्स लाइट्स और बड़ी वाली लाइट्स, और ये गोल्डन वाला पंखा जिसकी हम बात कर रहे थे ये ऐसे जलता है। अब लगता है कि हाँ कोई बेडरूम है, हाँ। नींद भी आती है, नीचे आएगा ना लेकिन हाँ अब नीचे नहीं आऊंगे। लेकिन एक चीज तो है फ्रेंड्स, ये समझिए बेडरूम है वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये बात तो सही है, क्योंकि इंसान जब आराम से सोए तो उसको सुकून मिले। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा बेडरूम बना है कि जहाँ पे अच्छा लगता है, मतलब अच्छा सा बेड है, सामने आपको टीवी है, कम लाइट करनी है तो ये जला लो, यहाँ बैठना है तो ये कर लो, अब सही बना। सबसे अच्छी बात ये है कि इस रूम में ज्यादा पैसा खर्चा नहीं हुआ है, क्योंकि पुरानी चीजों को हमने बस तो सही करा सही करा लिया, डिजाइन बनवाई किसी बड़ी बनी बनी, यहाँ पे खुफिया तिजोरी है, किसी को पता भी नहीं चलेगा, लेकिन अब तो सब पता चल गया, तो यहाँ पे कोई चीज रखी है तो बस यहाँ रख दो, पता भी नहीं चलेगा। यहाँ पे बेडरूम बनाने का सबसे मेन काम, सबसे अच्छी चीज की यहाँ पे वॉशरूम भी है, तो बस ये हाँ ये खुल जाते हैं, बजा खोल बाद में दिखाएंगे, जब वो सजाएंगे फिर दिखाएंगे कैसा लग रहा है। इसमें पूरा बदल गया ना, हवा वो कहाँ लिखाया तुमने जो लिखाया था ये इधर देखो, अरे ये तो मुझे देखा ही नहीं था, मुझे पास से देखा, नाम लिखवाया है पूरा, पंखे को भी देखो वो शू रैक है फ्रेंड्स, वो पूरा बदल गया, अच्छा है ना, पूरा बेडरूम वाला फील आ रहा है, पूरा आ रहा है, हमारा कबाड़ वाला ये। हाँ ये बहुत अच्छी है, बड़ी तो जैसे नहीं,
ये देखो ना इससे कितना अच्छा लुक आता है। अरे ऐसी होनी चाहिए। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ऐसे ही बहुत सारा प्यार देते रहे। रूम अच्छा लगा हो तो सभा को बता देना, बहुत अच्छा। सभा के जहां में सबका स्वागत है। सभा के जहां में सबका स्वागत और सब्सक्राइब भी करें।